उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी एकजुट हो गए। आपको बता दें कि बिजली कर्मचारियों ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। संयोजक अधिशासी अभियंता सर्वेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में विद्युत कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। संयोजक ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण किसी प्रकार से कर्मचारी और जनता के हित में नहीं है। निजी कंपनी मुनाफे के लिए काम करती है, जबकि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बिना किसी भेदभाव के किसानों एवं उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति कर रहा है। कर्मियों ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से ना सिर्फ देश के उपभोक्ताओं को भारी नुकसान होगा, बल्कि बिजली विभाग को जीवन भर अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले विद्युत कर्मियों की क्षति होगी। कर्मियों ने बताया कि समन्वय समिति के निर्णय के तहत उपभोक्ताओं और कर्मियों के हक और अधिकार की मांग को लेकर पूरे देश में एक साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बावजूद इसके अगर सरकार और प्रबंधन अपने निर्णय पर अड़िग रहती है तो दिन रात मेहनत कर लोगों की सेवा में जुटे विद्युत कर्मियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं जिला प्रशासन द्वारा बताया गया कि निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का विरोध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बिजली कर्मी कार्य का बहिष्कार कर कामकाज ठप कर सकते हैं, ऐसे में आपूर्ति पूरे तरह से चरमरा जाएगी। इस अंदेशे में इससे निपटने के लिए शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन अलर्ट है। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित कर अधिकारियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगा दी गई है। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। हम लोग हड़ताल इसलिए किए हैं कि इसको निजीकरण में इसको बेचा जा रहा है, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ कि फिर हम लोग रोजगार चले जाए, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग के लिए कोई विशेष कुछ समय अच्छी नहीं बचा है कि आधा उम्र में हम क्या करेंगे, हमारे हाथ से नौकरी निकाले बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? फिर दिनों से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अब आगे क्या करेंगे और क्या योजना है? हम कोई हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम सांकेतिक रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे। 2 तारीख से हमारा जो कार्य बहिष्कार था वो 3 घंटे का हो गया, 2 बजे से 5 बजे तक। आज से हमारा ये कार्य बहिष्कार 10 बजे से 5 बजे तक पूरे दिन का कार्य बहिष्कार है। ये कोई हड़ताल नहीं है, हमारा ये निर्णय था कि उत्पादन गृह 765 और 400 केवी के जो सब स्टेशन हैं उनमें शिफ्ट के कार्य चलते रहेंगे, कोई सप्लाई में व्यवधान ना हो, क्योंकि हम चाहते हैं आम जनता विद्युत आपूर्ति के बाधित होने से परेशान न हो। लेकिन सरकार और उच्च प्रबंधन के लोग जो है वो धर्मिता अपनाते हुए बिना किसी बात के बात नहीं करना चाह रहे हैं, वो न बताना चाह रहे हैं क्यों वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कई प्राइवेटाइजेशन के कार्य किए हैं, उसकी कोई समीक्षा नहीं की जा रही है, केवल एक निर्णय ले लिया जा रहा है और लोगों को थोप दिया जा रहा है। अगर सरकार आपकी बात अभी नहीं मान रही है तो आगे क्या करेंगे? अभी 2 दिनों से वार्ता चल रही है, परसों भी वार्ता हुई प्रबंधन से, कल भी वार्ता हुई, लेकिन उस वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। आज पुनः 2 बजे से माननीय ऊर्जा मंत्री जी सभी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको बुलाए हैं, वार्ता की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।